नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार से केस मिल रहे हैं उससे चिंता भी बढ़ती जा रही है। कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में अब तक 11 राज्यों में फैल चुका है। वहीं देश में 101 केस सामने आ चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। ओमिक्रॉन के आंकड़ों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जहां अब तक 32 केस मिले हैं। वहीं दिल्ली में अब लोग 22 कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट आने वाले दिनों में डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर सकता है। वहीं उपचार का तरीका WHO के पैटर्न पर ही होगा। कोरोना के नए वेरिएंट को दुनिया के देशों ने घातक मानना शुरू कर लिया है। खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन के नाम से भी लोग डरने लगे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मसलन जिस संक्रमण से ब्रिटेन और अमेरिका जिस देश से डर रहे हैं, तो भारत के लोगों को तो बेहद सावधानी रखने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दें, वही ब्रिटेन में ओमिक्रॉन की महालहर आ गई है। यहाँ गुरुवार को 8,83,746 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। ये आंकड़ा बुधवार के मिले संक्रमितों की तुलना में 10,000 अधिक है। मतलब ब्रिटेन में बुधवार को करीब 78,000 केस मिले थे। बता दें कि यूके में इसी साल जनवरी में करीब 68,000 केस सामने आए थे। वहां अमेरिका के मामले 12,000 के करीब पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।